अधिकतर उन्होंने YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों। तो दोस्तों आज रिव्यू करेंगे कंपैरिजन दोनों ट्रैक्टरों का 744 XT और 16855 का, और दोनों ट्रैक्टर की खासियत और प्राइस रेंज भी बताएंगे आपको। तो साथियों वीडियो में बने रहे, और अभी तक जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो साथियों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों फ्रंट से आप देख सकते हो 744 की लुक कुछ इस प्रकार की है, और इसमें कुछ इस प्रकार का फ्रंट एक्सल दिया गया है जो कि एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है साथियों। और साथियों अब आप देख सकते हो 16855 का फ्रंट एक्सल जो कि 744 XT से थोड़ा हैवी है, और जो इसका स्टेयरिंग है साथियों यह डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के साथ आता है, और 744 का जो पावर स्टेयरिंग है वह सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के साथ आता है साथियों। तो यह एक बड़ा अंतर है दोनों ट्रैक्टरों में। और साथ ही साथ अगर हम ट्रैक्टर की शो की बात करें तो स्वराज 855 FV की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी साथियों, और 5-स्टार का लोगो आपको ट्रैक्टर पे देखने को मिल जाएगा, और स्लीक साइलेंसर के साथ यह ट्रैक्टर आता है। और अगर हम बात करें स्वराज 744 XT तो कुछ इस प्रकार की शो है इसकी साथियों। आप देख सकते हो रिवर्स PTO की ब्रांडिंग दी गई है, और 4-स्टार यह ट्रैक्टर है, 4-स्टार का लोगो भी दिया गया है साथियों ट्रैक्टर पर। और अगर हम साथियों ट्रैक्टर के टायर साइज की बात करें स्वराज 744 XT के, तो 750/16 के इसमें फ्रंट टायर दिए गए हैं साथियों। और पिछले टायरों की अगर हम बात करें ट्रैक्टर के, तो साथियों 1428 के ही इसमें पिछले टायर आते हैं, 1628 के टायर नहीं आते। और साथियों अगर हम स्वराज 855 के टायर साइज की बात करें तो इसमें फ्रंट टायर 750/16 के ही मिलते हैं आपको, और जो पिछले टायर है इसमें आपको 1628 के मिल जाते हैं और 1428 के भी मिल जाते हैं। तो आपको पिछले टायरों में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं स्वराज 855 में साथियों। और साथियों आप देख सकते हो दोनों ट्रैक्टरों के टायर साइज में कितना डिफरेंस है, स्वराज 744 में 1428 के टायर हैं और स्वराज 855 में 1628 के टायर हैं, और आप देख सकते हो दोनों ट्रैक्टरों में कितना अंतर है। और साथियों आप देख सकते हो स्वराज 744 XT का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का है, और जो डिजिटल डैशबोर्ड दोनों ट्रैक्टरों में है वो दोनों सेम दिए गए हैं साथियों, 744 में भी और स्वराज 855 में भी आपको सेम स्टेयरिंग और सेम डिजिटल डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा साथियों। अगर हम साथियों स्वराज 744 XT 4-स्टार के इंजन की बात करें तो इसमें 3480 cc का 3 सिलेंडर का इंजन आता है, और बोस का इनलाइन पंप इसमें दिया गया है साथियों। और साथियों अगर हम बात करें स्वराज 855 FE के इंजन की, तो इसमें भी आपको सेम ही इंजन मिल जाएगा 3480 cc का, और जो कि 55 HP कैटेगरी के साथ यह ट्रैक्टर आता है साथियों, और 3 सिलेंडर का इसमें इंजन दिया गया है, और दोनों ही ट्रैक्टरों में जो इंजन है वो सेम दिया गया है साथियों। और साथियों अगर हम स्वराज 744 XT की लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 1700 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है, और अगर P2 HP की बात करें तो 43.8 HP की इसकी P2 HP दी गई है साथियों। वहीं स्वराज 855 FE की लिफ्ट कैपेसिटी साथियों 2000 kg की दी गई है, और अगर हम इसकी P2 HP की बात करें तो यह भी 42.9 HP की इसकी PTO पावर दी गई है साथियों, जो कि स्वराज 744 से अधिक है। और साथियों स्वराज 744 XT में ड्यूल क्लच दिया गया है, और वहीं स्वराज 855 में साथियों आपको डबल क्लच देखने को मिल जाएगा, तो जो एक और स्वराज 855 का प्लस पॉइंट है। और अगर साथियों हम दोनों ट्रैक्टर की प्राइस की बात करें तो साथियों स्वराज 744 की जो प्राइस है साथियों वो 750,000 है, और सर अगर साथियों हम स्वराज 855 की प्राइस की रेंज की बात करें तो 825,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है, और साथियों यह एरिया के हिसाब से अलग अलग।